पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब के निजी स्कूलों को झटका लगा है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों ने गत सप्ताह डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें निजी स्कूलों को अपने स्टाफ को पूरा वेतन देने व केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों को ही बच्चों से फीस लेने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ पंजाब के निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर आदेश वापस लेने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने मांग को अस्वीकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि गत सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से मासिक फीस, वार्षिक शुल्क व ट्रांसपोर्ट फीस के मामले पर बड़ा फैसला दिया था। इन फीसों को वसूलने के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार व अन्य की अपील पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिन स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है, सिर्फ वही स्कूल छात्रों से ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को पिछले 7 महीनों की बैलेंस शीट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाने के लिए 2 सप्ताह में सौंपे जाने के आदेश दिए थे। बताते चले कि हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर निजी स्कूलों की याचिका को खारिज करते हुए अभिभावकों को राहत दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार निजी स्कूलों की याचिका, जिसमें बीते सप्ताह कोर्ट के फैसले की निजी स्कूलों को अपने स्टाफ को पूरा वेतन देने व केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों को ही बच्चों से फीस लेने का आदेश दिया था, परंतु पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।